दोस्तों, अगर जो आप एक YouTube क्रिएटर हो और आप अपने YouTube चैनल पे वीडियो अपलोड करते हो, एंड अक्सर ऐसा है कि जब हम वीडियो एडिट करते हैं तो अपलोड करने के चक्कर में हम वीडियो एडिट करने के बाद एक्सपोर्ट कर देते हैं डायरेक्ट, एंड उसको हम चेक नहीं करते, एंड अपलोड करने के बाद हमको पता चलता है कि अरे हमारी वीडियो में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि हम कोई पार्ट्स एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं, या जिसको हमें ट्रिम करना होता है उसको हम ट्रिम नहीं करते हैं, या फिर हमें किसी को पर्सनली ब्लर करना है उसको हम ब्लर नहीं करते। ठीक है, तो अब करें क्या? तो कई लोग क्या करते हैं कि जो वीडियोस होती हैं उनको ही डिलीट कर देते हैं, एंड उसकी पूरी मेहनत पानी में चल जाती है, एंड देन वो बंदा फिर से उसको एडिट करता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। या आपको क्या करना है, वीडियो अपलोड करने के बाद यूट्यूब में एक ऐसा फीचर है, एडिटर का फीचर है, वो अपलोड हुई वीडियो को एडिट कर सकते हो, जिस मर्जी को ब्लर कर सकते हो, जिस मर्जी को ट्रिम कर सकते हो उस वीडियो को। एंड आप में से कई से ऐसे लोग हैं जो मोबाइल से वीडियो शूट करते हैं, एडिट करते हैं एंड अपलोड करते हैं। इनफैक्ट मैं भी मोबाइल से करता हूँ, एडिट वगैरह, अपलोडिंग वगैरह सब कुछ मैं मोबाइल से ही करता हूँ। मेरे पास कोई लैपटॉप वगैरह नहीं है जिससे मैं करूँगा। तो आज हम देखेंगे कि मोबाइल से हम कैसे अपने अपलोड की हुई वीडियो को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। अगर जो आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, एंड कमेंट बॉक्स में बताना कि ये पीछे का बैकग्राउंड कैसा लग रहा है, क्योंकि कल रात को थोड़ा मैंने चेंज वगैरह किया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में, एंड मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं कैसे कैसे ये चेंज होगा। सो गाइस, ये है मेरे फ़ोन का डैशबोर्ड। ठीक है, मेरा फ़ोन, मैंने इसको गूगल क्रोम खोल लेना है, एंड गूगल क्रोम खोलने के बाद मैंने अपना पहले से जो है चैनल मैंने अपना ओपन कर रखा था। ठीक है, तो हमको सिंपल से क्या करना है कि यहाँ पे अपना थ्री डॉट आता है, जब आप फ़ोन अपना यूट्यूब खोलोगे तो डेस्कटॉप मोड नहीं मिलेगा आपको, सिंपली से यहाँ से आपको अपने सिस्टम को डेस्कटॉप मोड कर लेना है, जिससे कि जिस तरीके से अपने आपके फ़ोन लैपटॉप में खुलता है, लैपटॉप या पीसी जिसमें भी आप ओपन करते हो अपना चैनल, उस तरीके से आपको यहाँ पर शो करेगा। ये सिंपल से क्या कर सकते हो, आप उसको ट्रिम कर सकते हो। जैसे कि ये मेरी रिसेंट वीडियो है, ये एलईडी बल्ब वाली जिसमें स्पीकर वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने इसको थोड़ा सा हम मेरे को ट्रिम करना है। ठीक है, तो मैंने क्या कर लेना है कि ये जो मेरी वीडियो है इसको मैं साइड में कर लूँगा पहले जूम करके, और यहाँ पर जो आप एक्शन वाला जो सीन देख रहे हो ये वाला, मैंने इस पर क्लिक करना है। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक किया, एडिटर जो लिखा हुआ है, ये एडिटर लिखा हुआ, इसको ट्रिम, जैसे इसको आप खोलोगे तो ऑटोमेटिकली एक एडिटिंग ऑप्शन खुल जाएगा आपको इसके अंदर। ठीक है, आप इसको जूम आउट कर लो, एंड आपको यहाँ से मेन चीज़ करना है। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो पहली लेयर है ये वीडियो की लेयर है, ठीक है, दूसरी लेयर है ऑडियो की लेयर है, एंड जो तीसरी लेयर है ये ब्लर है, ये ब्लर। सो मेरे को समझ लो कि ये जो मैंने अपनी पोस्ट दे रखी है बड़ा खतरनाक दिख रहा है, इसको साइड करता हूँ। मेरे को क्या करना है, अगर जो मेरे को किसी बंदे को ब्लर करना, जैसे पीछे साइड में ये मेरे को इसी ब्लर करना है, जैसे मेरे चैनल का लोगो दिख रहा है मेरे को ब्लर करना है। ठीक है, तो मैंने ब्लर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, मेरे को फेस ब्लर करना है, कस्टम ब्लर एंड फेस ब्लर, ये दोनों चीज़ का ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो फेस ब्लर करना है मेरे को। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको कितने में फेस ब्लर करना है, यहाँ पे आपको फेस को डिटेक्ट कर रहा है तो आपका फेस ऑटोमेटिकली ब्लर हो जाएगा, बट मेरे को ब्लर नहीं करना तो मैं इसको कट कर देता हूँ। अब ये आपको ब्लर करना हो तो सिंपली से आप यहाँ से ब्लर कर सकते हो, ये ब्लर का ऑप्शन दिया हुआ है। और अगर जो आपको ट्रिम करना है आपकी वीडियो को, जैसे कि मैंने यहाँ से मेरे को ट्रिम करना है, तो ये ट्रिम का ऑप्शन देख लो, यहाँ पे ट्रिम पे क्लिक करोगे आप, ये ऑटोमेटिकली बॉक्स बन जाएगा, एंड आपको कहाँ से कहाँ तक ट्रिम करना है तो आपको जस्ट यहाँ पे लेके सिलेक्ट करना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद एक दूसरी लेयर आ जानी है, इसको ये जो ब्लू लाइन है इसको यहाँ से आप यहाँ पे करना है आपको, देन इसको लेके फिर यहाँ पे जाना है, एंड आपको इधर से ये करना है। अब ये सिस्टम क्या है, आप इसको ट्रिम करने के लिए यहाँ पे करके, और ये जो प्रीव्यू का ऑप्शन यहाँ पे आएगा आपको, यहाँ पे जो नीचे देख रहे हो आप प्रीव्यू का ऑप्शन जो आपको देखने को मिल रही है, प्रीव्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिकली ये जो प्रीव्यू वाला ऑप्शन है आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये सेव को चेंजेस का ऑप्शन देख रहे हो ना यहाँ पे, सेव वाला, ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, इसको सेव कर देना है, जिससे कि आपकी जो वीडियो है ऑटोमेटिकली ट्रिम हो जाएगी जहाँ से आप ट्रिम करना चाहते हो, एंड उतना पार्ट जो है कट जाएगा, एंड कुछ देर बाद, उसी टाइम नहीं, कुछ देर बाद जो आपकी वीडियो है ऑटोमेटिकली उसमें ट्रिम में सेव दिख जाएगी। ठीक है, ओके। सो ये जो मैंने आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाई मोबाइल की, ये बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर जब आप वीडियो अपलोड कर देते हो और आप में थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाती है, तो ऐसा नहीं कीजिए कि आप उसको डिलीट करो।
ठीक है, आप उसको ट्रिम भी कर सकते हो, कई सारे ऐसे चीज होते हैं जिसको आपको ब्लर करना, तो आप ब्लर भी कर सकते हो। तो कैसे लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना। तब तक के लिए इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।